खबर भरोसे की। पिछले दिनों बांग्लादेश के पूजा पंडालों के दौरान जो कुछ हुआ उसे दुनिया ने देखा और लोगों ने घटना की किया कड़े शब्दों में निंदा। बांग्लादेश के पूजा पंडालों की घटना को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके उपज में आज भारत के राज्य त्रिपुरा में पिछले हफ्ते से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मस्जिदों में तोड़फोड़, आगजनी की घटनाओं को दिया जा रहा है अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वुड, मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। विश्व हिंदू परिषद की रैली के बाद त्रिपुरा नफरत की आग में भड़क रहा है। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने लगभग एक दर्जन से अधिक मस्जिदों और दुकानों को बनाया है निशाना। इसके अलावा मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ भी की गई है। वहीं विपक्षी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने घटना की कठोर शब्दों में किया है निंदा। वाम दल ने कहा है कि कुछ शरारती तत्व माहौल खराब करना चाहते हैं। जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाकर सजा दिया जाए। विपक्षी पार्टियों के जारी बयान में कहा है कि दुकान मालिकों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। वहीं दूसरी ओर उपद्रवियों का एक समूह राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए लगातार सक्रिय है। सभी वर्गों के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील किया है, लेकिन अभी भी त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तोड़फोड़, लूटपाट की घटनाएं नहीं रुकी हैं। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ आज दिल्ली में त्रिपुरा भवन का घेराव करने के लिए स्वयंसेवी संगठन पहुंचे थे, लेकिन त्रिपुरा भवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर किया नारेबाजी। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर पार्लियामेंट स्ट्रीट ले गई। हालांकि एक हफ्ते से अधिक का समय बीत चुका है, इस मुद्दे पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही देश की मेनस्ट्रीम मीडिया ने कवरेज किया है। त्रिपुरा के मामले को पूरी तरह से किया जा रहा है नजरअंदाज। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से सटे हरियाणा में भी फिजा खराब करने की जा रही है कोशिश। पिछले तीन हफ्तों से गुड़गांव में जुमे की नमाज को लेकर हिंदू कट्टरपंथी संगठनों ने खुले में नमाज रोकने की मांग पर डटे हैं। हरियाणा के गुड़गांव में कभी भी सांप्रदायिक आग की चिंगारी भड़क सकती है। समाचार रिपोर्टों से पता चला है कि त्रिपुरा में हमला बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के प्रतिशोध में था, जो लगभग एक सप्ताह पहले कुछ दिनों तक बांग्लादेश में चला था। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक निजी वेबसाइट को बताया कि हिंदुत्व की भीड़ त्रिपुरा में स्थानीय मुसलमानों पर आतंक फैलाने का एक बहाना था। पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद ने त्रिपुरा में किया था एक रैली आयोजित, उसी के बाद लगातार त्रिपुरा में सांप्रदायिक आग में झुलस रहा है। कहा जा रहा है कि हमला जिला केंद्रों में ही नहीं दूरदराज के इलाकों में भी हो रहे हैं। त्रिपुरा में राज्य प्रायोजित हिंसा के खिलाफ उत्तरी त्रिपुरा में मंगलवार को ही घटना के खिलाफ लगभग 15,000 मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। त्रिपुरा सांप्रदायिक दंगे की आग में झुलस रहा है। वहीं जमात इस्लामी त्रिपुरा के अध्यक्ष नीरुल इस्लाम मजहर भुइया ने सरकार पर आरोप लगाया है। त्रिपुरा सरकार जानबूझकर ऐसा होने दे रही है और भीड़ को उसकी इच्छा के अनुसार ऐसा करने दे रही है। खैर, त्रिपुरा के इस दंगे नाच को कहीं से भी नहीं ठहराया जा सकता जायज। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आशू शेख के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़वुड दिल्ली। नमस्कार, अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड खबर भरोसे की।